रहीम, वेलकम टू माय चैनल। क्या हाल है जी आप सबके। मेरी तरफ से आप सबको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। आज हमने अभी कंप्लीट किया है अपने घर की डेकोरेशन, तो मैंने कहा मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। तो डाइनिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने डाइनिंग का टेबल का जो कवर है वो चेंज कर दिया है, पुराना टेबल कवर और मैट सारे रिमूव कर दिए हैं। और मैंने कहा सिर्फ़ और सिर्फ रमज़ान की फीलिंग आनी चाहिए, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा लग रहा है टेबल। और ये रेड कलर भी मेरा फेवरेट है, बड़ी अच्छी लुक आई है टेबल की। और उसके ऊपर फिर मैंने इस तरह से ये लैंप रखे हैं और डाइनिंग टेबल के पीछे ये लाइटें। अभी आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है और फिर जब मैं लाइटें ऑन करके आपको दिखाऊंगी फिर देखिएगा कितना अच्छा लगता है। और ये डाइनिंग टेबल की बैक साइड पे पीछे जो चेयर फ्रंट वाली चेयर्स के पीछे इस तरह से ये भी मैंने छोटी छोटी लाइटें, एक सीनरी लगाई है और एक ऊपर स्टार लगाया है। एक्चुअली हमारे डाइनिंग के ऊपर ये जो पेंडेंट लाइट है ना, अभी इसकी लाइट ज़्यादा वो तेज़ लग रही है, जिसकी वजह से शायद आपको थोड़ा सा क्लियर ना नज़र आए। इतनी ये प्यारी लाइटें थी ना, स्टार्स मून वाली और लालटेन बनी हुई थी। फिर आ जाते हैं जी इस साइड पे। अभी हमारे वर्कर काम करके गए हैं ना, सीढ़ी वहाँ ही पड़ी हुई है। इस साइड पे भी मैंने ये सीनरी लगाई है, वॉल पेंटिंग इतनी प्यारी माशाल्लाह, अल्लाह ताला के 99 नेम वाली। और उसके साथ भी मैंने ये लाइटें लगाई हैं। फिर आ जाते हैं जी इस साइड पे, ये मेरे किचन की एंट्रेंस है। किचन के डोर के बाहर भी मैंने लाइटें लगाई हैं। अभी किचन के डोर के ऊपर भी मैंने एक पेंटिंग हैंगिंग टाइप एक लगाया है। और इस साइड पे आ जाएं, ये जो हमारा मिरर इधर लगा इसके ऊपर छोटी छोटी मैंने लाइटें रख दी हैं। फिर अभी लाइटें ऑन करके दिखाऊंगी अपना रूम। ये मैंने अपने रूम के बाहर भी लाइटें लगाई हैं। और ये टीवी का जो यूनिट है इसके ऊपर भी ये छोटे छोटे घर बने हुए हैं। ये मेरे पास पिछले साल वाली रखी हुई थी, वही मैंने इस पे लगा दी हैं। वाइट मैंने कहा अच्छी लग रही हैं, ये इस पे लगा देती हूँ। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ ज़रा किचन वाली। ये किचन के डोर के ऊपर मैंने वो अल्लाह ताला के पहले भी 99 नेम लगाए हुए थे ना, वो मैंने रिमूव करके तो इस तरह से ये रमादान वाला और ये नीचे मून बना हुआ है और मस्जिद बनी हुई है रमादान करीम, ये लगाया है। अब चलते हैं किचन में। किचन में भी मैं आपको दिखाती हूँ, किचन में आ गए हैं। किचन में भी ये रमादान करीम, किचन से तो स्पेशली फीलिंग आनी चाहिए। किचन में तो हमारा जो आधा दिन है आगे रमादान में वो किचन में ही गुजरता है। ये एक मैंने यहाँ हैंग कर दिया रमादान करीम, इसमें भी ये लाइटिंग है। और ये मैंने रमादान करीम का एक इधर बस ये लगाया है। तो किचन में बस मैंने यही डोर पे और अंदर एक दो आइटम बस डेकोरेटिव रखे हैं। उसके बाद मैं आपको बालकनी में भी दिखाती हूँ। बालकनी में जाने से पहले ये जो कॉफ़ी टेबल है इसके को तो मैं भूल ही गई हूँ, इस पे भी ये मैंने नया फ्लावर पॉट रखा है। साथ मैंने ये रमादान करीम की लाइटिंग रखी है छोटी छोटी। जब लाइटें ऑन करूँगी ना फिर आप देखिएगा इतनी अच्छी लुक आ रही है। ये दो ये रखी हैं। और टीवी यूनिट पे एक और भी चीज़ यहाँ भी ये मैंने एक रखी है डेकोरेटिव आइटम, यहाँ भी रखा है डेकोरेटिव आइटम। और एक लालटेन सी मैंने यहाँ भी रखी है। बालकनी का व्यू आप चेक करें माशाल्लाह। इस टाइम रोड्स बिल्कुल खाली हैं क्योंकि अब रमज़ान में सबकी रूटीन चेंज हो जाएगी। और आज इतना प्यारा मौसम था, सारा दिन से बड़े ही अच्छा मौसम था और हवा अभी भी चल रही है। और लाइटें ये हमने लगा दी हैं, अभी आपको शायद थोड़ी थोड़ी नज़र आ रही होंगी लेकिन जब मैं ऑन करूँगी ना फिर आप देखिएगा। ये इस तरह से हमने यहाँ भी अपनी बालकनी को लाइटों से भर दिया है। मुझे तो वैसे ही लाइटें बड़ी अच्छी लगती हैं। और ये ऊपर भी मैंने बड़ा बल्ब लगवा लिया है। ये अब आप व्यू चेक करें ज़रा, इतना अच्छा मौसम है ना, मुझे पहले ही बड़ा अच्छा लगता था तो अब तो लाइटों में और ही जगमगाऊंगी मैं, वैसे ही मज़ा आएगा मुझे। तो अभी मैं अब मैं आपको सारी लाइटें ऑन करके दिखाती हूँ कि क्या व्यू आता है। मेरे साथ ही रहें आप। तो अब देखें जी माशाल्लाह मैंने अपने घर की मेन लाइट्स ऑफ कर दी हैं, तो डाइनिंग पे इस तरह की लुक आ रही है। अभी मैंने इसके अंदर कैंडल नहीं लगाई, ये जो लैंप है ना तीन, इनमें कैंडल लगेंगे। इसमें तो ऑलरेडी बैटरी टाइप है वो ऑन है।
और ये इस तरह से इसका व्यू, यहाँ किचन एरिया, किचन का डोर, मेन एंट्रेंस किचन की, ये अभी लाइटें कंप्लीट ऑफ हैं घर की, मेरे बेडरूम की लुक, बफे टेबल इसके ऊपर मैंने छोटी छोटी रखी हैं, ये टीवी यूनिट, कॉफी टेबल। तो लाइट ना अगर बिल्कुल मैं सारी भी ऑफ करूंगी ना तो इतना अच्छा ऐसे फीलिंग आ रही है ना, इतना मज़ा आ रहा है। अभी मैं बालकनी में आपको दिखाती हूँ, बालकनी में सिर्फ मैंने अभी एक लाइट ऑन की है जो हमने रूफ पे चेंज की है ना, बड़ी लाइट, ये सारी उसकी रोशनी है। और व्यू चेक करें अभी, इतना अच्छा व्यू आ रहा है। और ये लाइटें अभी मैंने ऑन नहीं की, ये भी मैंने ऑन करके आपको दिखानी है, ये ब्लैक, और ये पहले हम लोग वाइट ले के आए थे ना, कम हो गई थी, फिर यहाँ ही शॉप थी उससे हमने ये ब्लैक ले ली, मैंने सोचा था कि पूरी हो जाएंगी लेकिन वो फिर कम पड़ गई। व्यू चेक करें, और मौसम इतना अच्छा है, अल्लाह करे हमारा रमज़ान इस तरह इसी मौसम के साथ गुजरे। इस साइड से भी आपको ज़रा मैं व्यू देती हूँ, सिटिंग एरिया की एंट्रेंस, और यहाँ अभी इन पौधों के अंदर से देखें घर मेरा, सिटिंग एरिया और डाइनिंग कितना अच्छा लग रहा है, ये पौधों के पीछे से छुप के भी अगर देखूँ तो। बाद में आपको ये लाइटों का व्यू देती हैं, झिलमिल करती हुई लाइटें। और अभी किचन में तो मैं गई ही नहीं, किचन में चलते हैं, किचन से कैसी लुक आ रही है, किचन का डोर, रमादान, मैंने मेन लाइट्स ऑफ कर दी हैं, किचन की विंडो से पहले बाहर का व्यू हुआ जो मेरी सिस्टर को अच्छा लगता है। ये एक लाइट है सिर्फ, और इसमें तो लाइट नहीं थी जिसकी वजह से सही नहीं, और ये भी इसकी बैटरी शायद डाउन हो गई है, ये मेरे पुरानी वो ग्लास बॉटल टाइप थी डेकोरेटिव जिसमें मैंने लगाया हुआ था। और यहाँ ये लाइटें, तो किचन से बाहर निकलती हूँ दोबारा, तो ये देखें जी, ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी सारी ये डेकोरेशन घर की, आपको देख के क्या फीलिंग हुई है, कैसा लगा आपको। मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब कर लें। मैं अभी ये लाइटें ऑन करती हूँ सारी, हमने पूरा सिस्टम लगाया क्योंकि हमारी ये अपनी फील्ड है ना, तो हमें ज़रा याद है कि ये पूरा सिस्टम लगा, बटन लगे हैं मैंने लगवाए हैं, और अभी ये स्विच लगाया सेपरेट सिर्फ लाइटों के लिए, ये मेन लाइट इस तरह ऑफ हो जाएगी, ऑफ करने के बाद अभी व्यू भी देती हूँ आपको, ये दोबारा एक दफ़ा चेक कर लें। ये अब मैं दूसरी लाइट ऑन करती हूँ, ये जो लाइटें हैं इनको ऑन करते हैं जी, ये देखें जी मेन लाइट्स ऑन हो गई हैं सारी, ये बालकनी का व्यू है, फ्लोर पे देखें, और ये लाइटें कलर भी चेंज करती हैं, और जैसे अभी ब्लिंक कर रही हैं ना, इनको स्टेबल भी कर सकते हैं कि ये ब्लिंक ना करें ऐसे, ये अभी रुक गई है ना, इसको भी यहाँ से करती हूँ ज़रा कि ये ब्लिंक ना करें, फिर आपको ना सही व्यू आएगा, नहीं शायद ये तो नहीं होती, हम पहले ये लाए थे ना, हाँ ये यहाँ से ली थी ना शायद, इसलिए उनमें ये फंक्शन नहीं है, नहीं नहीं हो गई है, ये भी इनको भी मैंने बंद कर दिया, मैंने कहा ब्लिंक ना करे ताकि आपको सही अच्छा व्यू आए। तो अब देखें, और लाइटें तो मैंने ऊपर लगाई हैं तो इससे मेरा फ्लोर भी चमकने लग गया है, ये देखें जी लाइटें बंद हुई हैं तो क्या कैसा हो गया, लाइटें ऑन हुई, ये खुद ही ना ऑन ऑफ होती रहती हैं, थोड़ी देर के बाद खुद ही ऐसे हो जाएंगी, फिर खुद ही ऑन हो जाएंगी, फिर और ऐसे सही स्पार्कल जैसे ब्राइटनेस आती है वो हो जाएंगी, तो बड़ी मज़े की है, इनकी जो फंक्शन है ना, स्पेसिफिकेशन इनकी बड़ी मज़े की है। तो अब मैं अंदर लाइटें ना भी ऑन करूँ ना तो बाहर से ना मुझे इतनी रोशनी आती रहती है। अब मैं भला ऊपर वाली मेन लाइट ऑन करके देखती हूँ,
अब देखिए आप, अब मैंने फिर इनका वो फंक्शन चेंज कर दिया, मैंने कहा ब्लिंक हो, ये अब आप देखिए ब्लिंक हो रही है। अभी मैंने मेन लाइट ऊपर वाली ऑन की हुई है ना, जिसकी वजह से इस तरह। अब मैं जरा ख्याल कि सारी लाइट ऑन करके आपको दिखाती हूँ। तो अब देखिए जी, मेरे घर का व्यू, पूरा घर चमक गया लाइटों से। लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह कि रमादान आ गया है। और यूएई में ये मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, और हमारे बच्चों में भी ये चीज़ है, बच्चों को भी पता होता है कि रमादान आ रहा है, रमादान को सेलिब्रेट करना है किस तरह, और रमादान की सजावट करनी है, घरों को सजाया जाता है, बड़ा एहतमाम होता है। तो ये चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। अब आप व्यू देखें बाहर का, ये जो मेन एंट्रेंस है ना, इसके मेन साइड पे हमने वहां भी एक लाइट लगाई है। चलें वो भी मैं आपको दिखाऊं। तो चेक करें जी, मेन एंट्रेंस है ये हमारी। मैंने कहा पता चलना चाहिए ना, बाहर से भी मुस्लिम फैमिली रहती है। तो ये थी जी मेरी मेहनत। अब इसका जो रिवार्ड है वो आप लोगों ने मुझे देना है, आप लोगों ने बताना है कि आपको कैसी लगी ये मेरी सारी डेकोरेशन, मेरी मेहनत। तो दुआओं में याद रखें, रमादान आ रहा है, आ गया है बल्कि, और मैं भी आपके लिए दुआ करूंगी, आप मेरे लिए दुआ कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बहुत बहुत रमादान की मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे जी। अल्लाह हाफिज़।